गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। भाइयों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके करो, इससे मुझे बहुत मदद होती है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी जाके करो। और अगर आपके पास कोई फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस है, प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर देने वाला हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो चालू करते हैं और आज के वीडियो में हम हाउ टू बिल्ड द वी टेपर लुक के बारे में बात करने वाले हैं। भाइयों, अगर आप नोटिस करते हो तो एनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर दैट यू एडमायर, एनी बॉडी बिल्डर्स फिजिक दैट यू लाइक द मोस्ट, या इन जनरल किसी की भी बॉडी अगर अच्छी लगती है हुज एस्थेटिक, तो इनके पास तीन चीजें रहते हैं कॉमन में। दे हैव अ वेरी टाइट वेस्ट, ब्रॉड शोल्डर्स एंड बिग लैप्स। इस वीडियो में मैं इन तीनों चीज़ें के बारे में बात करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू टीच यू गाइज हाउ टू बिल्ड बिगर शोल्डर्स, गेट वाइडर लैट्स एंड इम्प्रूव ऑन अ टाइटर वेस्ट। सबसे पहले स्टेप वन के बारे में बात करते हैं और आज का पहला स्टेप होने वाला है बिल्डिंग वाइडर लैट्स। हमारे लैट्स जो है हमारे फिजिक को एक वाइडर लुक देता है और एक ब्रॉडर लुक भी देता है। हमारे लैट्स डेवलप करने के लिए हम दो एक्सरसाइजेस लगाने वाले हैं, वो है पुलअप्स और लैट पुल डाउन। पुलअप्स एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है टू बिल्ड आवर लैट मसल्स। अगर आपको पुलअप्स करने नहीं आता है या आप अभी भी सीख रहे हो और लर्निंग प्रोसेस में हो, तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। और लैट पुल डाउन एक ऐसा एक्सरसाइज है विच विल हेल्प अस आइसोलेट द लैट मसल्स। अगर हमें पुलअप्स काफी इजी लग रहा है और हम उसको 12 से 15 इजिली मार सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट डूइंग वेटेड पुलअप्स। इसका मतलब है आप 2.5 kg का प्लेट लेकर आपके पैरों में बीच में डालकर पुलअप्स लगा सकते हो और धीरे धीरे वेट बढ़ा सकते हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करके। भाइयों, मेरे ऊपर भरोसा करो और ये समझो कि आपका बॉडी एस्थेटिक नहीं दिखने वाला है अगर आपके पास वाइड लैट्स नहीं है। फोकस यही होना चाहिए कि आपको वाइडर दिखना चाहिए। बाकी के दो स्टेप मैं आप सभी को जिम के बाद बताता हूँ। अभी तो आप सभी को मैं बोलना ही भूल गया कि मेरा कंपटीशन जो है पोस्टपोन हो गया है अंटिल नो फर्दर नोटिस। तो अभी एक हफ्ते के लिए मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, 1 या 2 हफ्ते के लिए। बॉडी और जॉइंट्स को थोड़ा रेस्ट देना है, तो आज मैं जिम जाकर थोड़ा लेग्स मारूंगा, हैक स्क्वाट मारूंगा, लेग प्रेस, थोड़ा मशीन मूवमेंट्स ही करूँगा। चलता हूँ आप सभी को वर्कआउट के बाद। बाकी के दो स्टेप्स मैं वर्कआउट के बाद ही बताता हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो वर्कआउट कंप्लीट हो गया, काफ़ी अच्छा वर्कआउट था। मैंने हैक स्क्वाट और ये सब पहली बार ट्राई किया एंड मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। आई फाउंड अ न्यू मशीन दैट आई लाइक, और मुझे कुछ अलग ही बर्न आया था व्हेन आई वाज यूजिंग द हैक स्क्वाट। वो मशीन काफ़ी अंडररेटेड है और मेरा न्यू ईयर्स का जो रेजोल्यूशन है इज़ टू गेट बेटर लेग्स। ये मास्क के साथ मुझे वो कट्स भी चाहिए, तो आई एम गोना वर्क टुवर्ड्स दैट। आज के टॉपिक पे वापस आते हैं और आज का सेकंड स्टेप होने वाला है टू गेट ब्रॉडर शोल्डर्स टू बिल्ड एन इम्प्रेसिव वी टेपर फिजिक। भाइयों, आप सभी को मैं वापस रिमाइंड करता हूँ, अगर हमको एस्थेटिक दिखना है तो हमारे शोल्डर्स ब्रॉड होने चाहिए। भाइयों, आप कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखो या कोई बॉडी बिल्डर को भी देख लो, बोथ ऑफ देम हैव समथिंग इन कॉमन and that is they have broad shoulders, क्योंकि broad shoulders is one of the most important parts of an aesthetic physique। अगर आपको aesthetic दिखना है तो आपको अपने shoulders पे काम करना होगा और आपके shoulders को broaden करना होगा, और ये करने के लिए मैं आप सभी को 2-3 tips दूंगा। अगर हमको हमारे shoulders की size को बढ़ाना है, we have to train them effectively, और हमारे shoulders को 3 part में divide किया गया है, a front delt, a lateral delt and a rear delt। और अगर हमको एक वाइडर लुक दिखाना है तो हमें हमारे lateral delts को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, और इन्हें इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए हमको lateral raises नाम का एक्सरसाइज मारना है। ये एक्सरसाइज मैं सजेस्ट करता हूँ टू डू टिल फेलियर विद अ वेट यू आर कंफर्टेबल लिफ्टिंग। प्लीज ईगो लिफ्टिंग मत करो, 40 kg लेकर lateral raise ट्राई करने का प्लीज अटेम्प्ट मत करो, इसका कुछ फायदा नहीं है, डम्बल उठने भी नहीं वाला है। 10 kg लेकर 10 या 12 लैप लगाओ, मेक श्योर यू गो टू फेलियर। एक्चुअली आपके जो साइड डेल्स है वो पॉप आउट होने लगेंगे। रियर डेल्स को भी इग्नोर मत करो, रियर डेल्स का मतलब है हमारे शोल्डर के पीछे का पार्ट, ये हमारे शोल्डर को एक राउंडर लुक देता है। आप फेसबॉल नाम की एक्सरसाइज मार सकते हो या आप केबल रिवर्स स्लाइस भी मार सकते हो। हमारे फ्रंट डेल्ट के लिए हम बाबेल OHP या सीटेड डम्बल प्रेस मार सकते हैं, ये हमारे फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करता है। इसके मैं 3 सेट लगाता हूँ 10 के 12 के रेप रेंज में। तो एस्थेटिक दिखने के लिए प्लीज मेक श्योर यू आर ट्रेनिंग योर शोल्डर्स प्रॉपरली। आज का तीसरा और आखिरी स्टेप टू लुक मोर एस्थेटिक एंड बिल्ड अ क्रेजी वी टेपर इज गेटिंग अ टाइटर वेस्ट। इसका सिंपली मतलब ये है कि हमको हमारा ओवरऑल बॉडी फैट % कम करना पड़ेगा, क्योंकि भाइयों मैं आप सभी के साथ ब्लंट रहने वाला हूँ और आप सबको बोलने वाला हूँ कि हमारा वेस्ट का जो साइज है कभी गिरता नहीं है। इट इज रियली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ड्रॉप साइज ऑन आवर वेस्ट। अगर हमने हमारे ओवरऑल फैट % को कम किया तो आवर वेस्ट विल लुक स्मॉलर। अगर हमारे शोल्डर्स ब्रॉड है और हमारे पास क्रेजी लैट डेवलपमेंट है तो वी लुक ब्रॉडर इन जनरल, और हम काफी एस्थेटिक दिखेंगे। और अगर आपका फैट % 10 या 11 से नीचे है तो आपके एब्स भी दिखेंगे एंड यू माइट लुक वैस्कुलर एज वेल ऑन योर आर्म्स। हमारे फैट % को ड्रॉप करने के लिए हमको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा और हमारा डाइट ऑन पॉइंट रहना चाहिए। आपका प्रोटीन सबसे मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो अगर आपका वेट 66 kg है, आपको उसको 2.2 में मल्टीप्लाई करके पाउंड में जो नंबर है उतना प्रोटीन खाना चाहिए, एंड दिस इज विद वट एवर वेट यू आर करंटली होल्डिंग। आपका प्रोटीन गोल डेली मिस मत करो, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू रिड्यूस योर ओवरऑल बॉडी फैट। मैंने फैट को ड्रॉप करने के लिए भी एक वीडियो बनाया है, मैंने 6 टिप्स दिए टोटल में, उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सो गो चेक इट आउट। इसी के साथ आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जाके लाइक करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, प्लीज़ जाके करो। और कोई फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मालूम है, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, मैं आप सभी का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राइट अप टू द एंड। मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले वीडियो में।